I'm explaining again. There are nine ras. Okay. रसों में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका मूड, सेंटिमेंट्स और इमोशन एक्सप्रेशंस. ओके, अंडरस्टैंड? क्या क्या होता है आप मुझे बताओ एक बार. श्रीनिधि, नौ रस में क्या क्या चीजें होती हैं? मैम श्रृंगार रस. नो, पहले तो हमारी चार चीजें हैं ना, मूड, आपका मूड, मूड, इमोशनल एक्सप्रेशंस एंड सेंटीमेंट्स. ओके, और फिर उसके बाद हमारे नौ रस शुरू होते हैं. सो पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस. श्रृंगार रस. दूसरा रस कौन सा है? श्रृंगार का मतलब लव, एनी काइंड ऑफ लव. लव फॉर चिल्ड्रन, लव फॉर एनिमल, लव फॉर your husband, love for your family, love for your teacher, love for your student, any kind of love in Shingaras. Okay? Then uske baad? Uske baad? Mujhe line mein. Haasya. Haasya. Uske baad? Haasya. Mam, mujhe ek line mein nahi aa raha. हाँ, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ. हास्य में क्या होता है? हास्य में लाफ्टर, खुशी. ओके, हाँ, जब हम बच्चे से प्यार कर रहे होते हैं तो हम हंस भी रहे होते हैं, है ना, है ना, हम उसकी तरह से एक्ट करने की कोशिश करते हैं. Am I right? क्योंकि बच्चे से मैं ऐसे तो नहीं बात करती, और बेटा कैसे हो, क्या है, है? तुम ठीक हो, नहीं हो, पर मुझे कैसे बात करनी पड़ेगी उससे. हाँ जी, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, ओके, खेल रहे हो क्या? तो इस तरह से मुझे उससे बात करनी पड़ेगी. Am I right? हाँ, so उसमें लाफ्टर आ जाता है. और अगर हम फ्रेंड से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? मैम हास्य रस में. हास्य रस में आप कैसे बात करोगे? एक मिनट श्रीनिधि. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज हास्य. मैंने आपको बताया कि बच्चे के साथ कैसे हम हंसते बोलते हैं. बच्चे के साथ हम सीरियस होके बात नहीं कर सकते हैं, अंटिल अनलेस, जब तक कि हमें डांटना ना हो उसको. ठीक है, और डांटते ही हमारा जो है वो दूसरा रस आ जाता है फिर. एम आई राइट? चलो ठीक है, तो फ्रेंड से कैसे बात करेंगे? सिया, तू बताएगी अपने फ्रेंड से कैसे बात करेगी हंसते हंसते? हेलो. ऐसे ही हेलो. और तुम क्या कर रही थी आज? आज खेली वेली कि नहीं? खेली थी. और कितनी पढ़ाई हुई यार? हाँ, अच्छा चलो कोई जोक सुना दो. ठीक है, सो इस तरह से हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं. और बड़ों से कैसे बात करते हैं? बड़ों से कैसे हंस के बात करोगे बोलो? हम बड़ों से तो मुश्किल है यार, बड़ों से. मैं ठीक हूँ ना? अभी तुम मुझसे हंस के नहीं बात कर रहे हो. अम्मा, आप थोड़ा सा वो फन ला रहे थे इसीलिए. तो फन मैं लेके आ रही थी, मतलब तुम हंस तो रहे हो, मैं तो तुमसे बहुत बड़ी हूँ ना. बड़ी हूँ कि नहीं हूँ? यस मैम, आप हमसे बहुत बड़ी है ना. तो फिर तुम मुझसे हंस के बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अभी? कि सीरियस होके बात कर रहे हो? तो पहला रस कौन सा था? श्रृंगार रस. हाँ, सानवी, व्हेन यू स्पीक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. ठीक है, सेकंड वन इज हास्यरस. हास्यरस इज अ लाफ्टर. ओके, आप बहुत खुश फील करते हो. ठीक है, आप हंसते रहते हो, बात करते रहते हो. ठीक है, द थर्ड वन इज, बोलो जल्दी, करुण रस. करुण मीन्स काइंड, है ना. काइंड कैसे दिखाओगे बताओ? समी तुम बताओ, तुमने आज नहीं बोला. काइंड कैसे दिखाओगे? yes.
बोलो बेटा समी जल्दी से, काइंड कैसे दिखाएंगे हम? अभी हम एनिमल्स को खिलाने जाते हैं ना बाहर, है ना, किसी को भी हम प्यार करते हैं, प्यार काइंडनेस भी जो है वो लव को लिए हुए होता है, प्यार को लिए हुए होता है, केयर को लिए हुए होता है ना। तो काइंड कैसे दिखा सकते हैं हम, बोलो। कंपैशन आप कैसे दिखाओगे, किस तरह से आप प्यार करोगे किसी को भी ना? ओके, हाँ आप प्यार करोगे, सहलाओगे, टैक करोगे उसको, देखो प्लीज रोना नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ओके तुमको दर्द हो रहा है, ठीक है आई विल गिव यू सम मेडिसिन, हाँ तो उस तरह का हम करुण रस दिखाते हैं बेटा, किसी को भी काइंडनेस से, कंपैशन से और प्यार से उसको हील करना इज अ करुण रस। ओके सो पहला कौन सा था? अरुणी बताओ जल्दी से, फर्स्ट वन श्रृंगार, द सेकंड वन और थर्ड वन करुण, ठीक है। करुण के बाद क्या आया? कभी कभी बोलो मैम, एंगर। एंगर, एंगर, एंगर इज क्या? रौद्र रस। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि देखो रसास जो है ना, आप अगर शुरू से सोचोगे तो श्रृंगार के बाद अगर हास्य आया तो दैट इज हैप्पीनेस, है ना, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या, उसके बाद करुण रस, हाँ उसके बाद क्या आया, रौद्र रस, ठीक है, रौद और एंगर, ठीक है। एंगर क्यों आया, एंगर क्यों आया, जब हम किसी भी जगह पे हम सफरिंग्स देखते हैं, हम में करुणा के भाव आते हैं, हम किसी को हील करना चाहते हैं, तो फिर हमें प्रकृति को लेके या उन लोगों के को लेके जो उस चीज को हर्ट कर रहे होते हैं, हमें एंगर आ जाता है ना, हम गुस्सा खाने लगते हैं कि यार कमाल है, ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे थोड़े ना मारा जाता है किसी को, ऐसे कोई किसी को कैसे दुख पहुंचा सकता है ना, तो दैट इज एंगर। सिया समझ आया? हालांकि सिया के लिए बहुत एडवांस है ये, सभी के लिए, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा आज मूड तुम्हारा चेंज करना चाहती थी, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दीज रस आज। कैसा एंगर खाओगे, एंगर करोगे तो कैसे रौद्र बनोगे? गुस्से वाला। ओ करके दिखाओ यार, गुस्से वाला है ना, रौद्र रस है ये, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर सुनो रौद्र के बाद अच्छे लग रहे हैं, ओके दैट्स गुड। रौद्र के बाद कौन सा आएगा, फिर रौद्र के बाद जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या ले लेते हैं, तलवार ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। नहीं मैम। हाँ तो वीर होने के लिए, रौद्र में अगर कोई दुश्मन है आपके सामने तो आप उसको निस्त नाबूद कर देते हो, आप उसको हटा देते हो, जैसे हमारे हाथ में अभी क्या है, तलवार, हमारा वैक्सीन है तलवार, जिससे कि हम कर उसको कोरोना को हटा रहे हैं, चलो वैक्सीन लगाओ कोरोना हटाओ, ठीक है। सो उसके बाद क्या आया, वीर रस आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, विभत्स रस आया, कौन सा आया, नहीं सॉरी उसके बाद आया भय रस, फियर, कौन सा आया, भयानक रस आया। हो सिया देखो सारे एक्ट कर रही है, दैट्स वंडरफुल, ठीक है। भयानक के बाद आया डिस्गस्ट, विभत्स रस, ठीक है। विभत्स के बाद आया वंडर और सरप्राइज, जिसको हम बोलते हैं अद्भुत रस,
ठीक है, फिर उसके बाद आया पीस, शांत, शांत रस, ठीक है। सो अब मुझे पहले से बताएंगे क्या कि कितने हुए हमारे, समी बताएगी, समी को नौ रस है, नौ रस है, बताओ कौन कौन से हैं, तुम बताओ, छुट का बेबी बताएगा, मम्मी से नहीं पूछना उधर साइड से, मुझे लग रहा है सिया मम्मी से नकल मार रही है। देखा देखा देखा, मुझे पता था कि वो नकल मार रही है। ओके चलो सानवी, नकल नहीं मारी थी, देख रही है, मुझे लगा नकल मारी, मम्मी ने पेज पे लिखा हुआ होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा, और सिया देख देख के बताएगी मुझे फिर। ठीक है ओके चलो श्रीनिधि तुम बताओ, सानवी भी कैमरा ऑफ कर गई है अपना। यस मैम, श्रृंगारस, हास्यरस, करुणारस, राधरस, हाँ रुद्र, रौद्र रस, हाँ फिर रस, वीर, वीर रस, हाँ फिर भयानक, विभत, नो फिर भयानक, भयाना मम वो रुद्रम राधा में हो गया, रौद्र के बाद वीर रस आया, वीर के बाद भयानक आया, फिर डिस्गस्ट, विभत्स आया, फिर अद्भुत आया, फिर शांत रस आया, ठीक है। हाँ तो अब सानवी मुझे बताएगी जरा एक बार, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, उसके बाद करुण रस, करुण रस, रौद्र रस, करुण के बाद रौद्र रस, वीर रस, वीर रस, वेरी गुड, भयानक, भयानक रस, फिर विभत्स, हम विभत्स रस, what we made, विभत्स रस, हाँ disgusting ऐसे, ठीक है, रस, विभत्स रस, फिर शांत रस, बुद्धम शरणम गच्छामि, ओके फिर वो शांत, आई मिस्ड वन, यू मिस्ड वन, विच वन, अद्भुत, राइटिंग वन, यस आई वाज मैम, इट्स बिफोर पीस, हाँ बिफोर पीस, आई वाज गोइंग टू से एंड यू सेड दैट इट्स वेरी पीसफुल, it's just a class na, you can speak once again, shrinagar ras, ras, karun ras, rodra ras, ras, bhayanak ras, bhayanak ras, vibhats, विभत्स रस, अद्भुत रस, then peace, शांत रस, very good, ठीक है, याद हो गया सबको, अरुणी तुमको याद हुआ बेटा, ओके सिया बोलो, मुझे पता है, मेरे को पता है तुमको याद नहीं हुआ, पर बोलो यार, अच्छा पहले मेकअप कर लो, पहले श्रृंगार कर लो, ठीक है,
एक्टर बन है, तुम एक्टर बनोगी कि मैं बनूंगी एक्टर? एक्टर ऐसा लगता। ओके चलो, अरुणी दीदी और समी दीदी बताएंगी अब। देखो श्रीनिधि ने तो बता दिया, समीक्षा दीदी बताएगी अब। समीक्षा थोड़ा सा ट्राई करना रस देने की। आई एम पुटिंग यू ऑन द स्पॉट वीडियो बेटा, ठीक है? थोड़ा सा ट्राई करो। क्या? यस, थोड़ा ऊपर हो जाना, मुझे फेस भी तो दिखना चाहिए। मुझे पीछे का शोकेस थोड़ी ना देखना है यार, मुझे तो तुमको देखना है। ये गुड। सो फर्स्ट फर्स्ट बताना है नवरस में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है? सो नवरस में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? बोलो बेटा। मैम मैं आपको एक और एक्सप्रेशन दिखा सकती हूँ। या अभी देखूंगी, पहले एक बार ही समी दीदी से पूछ लेते हैं। जरा चुप 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 ये बैठी हुई है, हंसे जा रही है, बस हास्य रस दिखाई जा रही है हमें, मुस्कुरा मुस्कुरा के, ठीक है? अपना कुछ बोल तो रही नहीं है समी। देयर इज अ प्रॉब्लम बेटा विद नेटवर्क। ओके देन वी विल सी सिया का कौन सा रस दिखा रही है वो। सिया कौन सा एक्सप्रेशन दिखा रही है, बता जल्दी से। मैम क्यूट एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ। क्यूट एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से कौन सा। ऐसे ये बेबी क्यूट वात्सल्य वाला। डिंग 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 डिंग। हाँ कैसे हम वात्सल्य में दिखा रहे हैं, हम काडल कर लेते हैं। ये छोटा बेबी है, कितना प्यारा सा बेबी है ना, इतना क्यूट बेबी है। ए ये वेरी गुड सिया, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी टू सी। ओके सबको याद हुआ बेटा, अब तो कोई नहीं भूलेगा। अरुणी एक्सक्यूज मी मैम, अरुणी बताएगी क्या? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा बोलो। ma'am, एक emotions होता है, एक mood होता है और sentiments होता है, दूसरा और एक class और होता है। Precious. ठीक है, तो ये है पहला mood. Sentiments, expressions, ये सब कुछ आपके अंदर होती हैं चीजें, जिसको कि आप किसके थ्रू निकालते हो? एक्सप्रेशंस के थ्रू निकालते हो, ठीक है? और एक्सप्रेशंस कहाँ से आते हैं? आपके फेस से और बॉडी लैंग्वेज से। अंडरस्टूड? ठीक है, रस से। तो रस से ये हाउ मेनी रसेस आर देयर सिया? नौ रस होते हैं। तो पहला कौन सा होता है जल्दी से बता देगी? अब तो याद है। अच्छा अच्छा हम याद कर लेते हैं, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ठीक है, आप अपने आप को म्यूट करो, अरुणी दीदी बताएगी। अरुणी नाइन रसास बताओ जल्दी क्विकली बेटा। यस मैम। श्रृंगार रस, हास्य रस। हास्य रस के बाद मैम ये आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम, क्योंकि आप हैंग हो रहे हो। नहीं तुम बोलते जाओ, तुम्हारी आवाज आ रही है। नहीं आएगी तो मैं बता दूंगी तुमको, ठीक है? यस मैम। हाँ मैम विभस्रस होता है? नहीं पहले से शुरू करो, फिर उस तरह से ना याद हो जाता है, हम भूलते नहीं हैं। ओके सो सबसे पहले श्रृंगार, देन हास्य, देन
करुण देन रौद्र देन वीर देन भयानक देन विभत्स देन अद्भुत देन शांत. ओके देर आर 9 रसास आर देर. ठीक है, और आप अगर इनको एक चेन में मिलाओगे ना तो आपको समझ आएगा हर एक्सप्रेशंस के बाद क्यों रसों को दिया गया है. ठीक है, तो आप एक बारी सारे रसों को लाइन से लगा के फिर सोचो कि श्रृंगार हमने किया है ना, हम खुश हुए है ना, फिर हमने कहीं पे कोई दर्द और परेशानी देखी तो हम में करुण रस आया. ठीक है, करुण रस के बाद हमें करुण देके कहीं भी कोई सफरिंग देके हम में गुस्सा आता है, हम में रौद्र रस आया. फिर रौद्र के बाद हम वीर रस ले लेते हैं, वी बिकम फाइटो, वीर रस हो जाता है. फिर वीर रस के बाद समटाइम्स भयानक हो जाती हैं चीजें ना, जैसे वीर रस अभी डॉक्टर्स प्ले कर रहे हैं वीर रस, पर भयानक कहां से हो रखी है, बिकॉज हर जगह जो है बीमारी फैली हुई है तो वो भयानक हो गया. विभत्स रस कहाँ आ जाता है बेटा, जब सफरिंग हो रखी होती है, डेथ होती है, ये सब होते हैं तो हमें उसे देख के ना ऐसा लगता है डिस्गस्टिंग हो रखा है सारा ना, सब चीजें खराब हो रखी है. फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अद्भुत आ जाता है, वंडर आ जाता है. लाइक अगर हमारे पास कुछ अच्छी चीज हमारे हाथ में आ जाती है तो हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, वंडर हो जाते हैं. फिर उसके बाद हर जगह शांति हो जाती है. ठीक है, सो 9 रसों को अच्छे से हम याद करेंगे. टुडेज लेसन वॉज अबाउट द 9 रसास. अंडरस्टैंड? हाँ सिया अंडरस्टैंड? या सानवी याद हो गया? मैम आई ओनली सेड यस. ओके बेटा, ओके ठीक है. सो